हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपरेस टैलेंट टिप्स। तो सभी को हैप्पी दिवाली एंड काली पूजा। तो मेरा ये बैकग्राउंड का सेटअप कैसा लगा जुगाड़, आप लोग ज़रूर बताइए। और मैं यहाँ पर वाव का चारकोल फेस मास्क अप्लाई कर रही हूँ, पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद जब पूरा ये सूख जाएगा तब इसको मैं पुल आउट करूंगी अपने फेस से। तो देखिए अच्छे से निकल गया। हाँ, और बहुत दिनों बाद मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। और इसके बाद मैं मामा अर्थ का टोनर अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पर्पल को सीरम एज ए मॉइस्चराइजर अपने फेस पर अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ जब तक फेस पर एब्जॉर्ब ना हो जाए अच्छे से। उसके बाद मैं लैक्मे का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। और जो भी प्रोडक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ उसका सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डिटेल्स दे दूँगी। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। जो जो ओपन पोर्स एरिया है वहीं पर मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। उसके बाद मैं ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ एले गर्ल का। जहाँ पर भी मेरा पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट है मैं वहाँ अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं फाउंडेशन, ये ग्लैम ग्लॉसी मेकअप है इसलिए मैं लिक्विड हाइलाइटर के साथ मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, इससे जो मेकअप बेस है वो ग्लोई रहती है। और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब देखना कि मेरे फेस कैसे ग्लोई ग्लोई सा लुक करता है। और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से मेकअप को अपने फेस पर सेट कर रही हूँ, मतलब कि अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। हाँ, देखिए कितना ग्लोई ग्लोई सा लुक है। और अपने नेक एरिया को बिल्कुल मत स्किप करिए, बहुत ऑड हो जाता है। उसके बाद मैं मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ अपने हाइलाइटेड एरिया पर और अंडर आई एरिया पर। और इसको फिंगर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं क्रीम कंट्रोल करूँगी, अच्छे से कंट्रोल के लिए मैं क्रीम कंट्रोल करती हूँ। और NYV का कंट्रोल स्टिक से मैं क्रीम कंट्रोल अच्छे से कर रही हूँ अपने चीक पर, नोज पर और फोरहेड पर। और हाँ हाँ, इसको भी फिंगर की मदद से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और हाँ, फिंगर के साथ ब्लेंड करने के बाद भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड कर लेती हूँ। अब मैं फेसेस कनाडा के कॉम्पैक्ट के साथ अच्छे से अपने फेस को सेट कर लूँगी। अब आई मेकअप भी तो करना है, तो अपने आई लिक को मैं कैसे ऑफ भूल सकती हूँ, इसलिए इसके ऊपर मैं एज ए आई शैडो बेस मैं कंसीलर, सेम कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। और उसको भी फिंगर की मदद से ब्लेंड करने के बाद सेम कॉम्पैक्ट से मैं उसको भी सेट कर लूँगी। अब मैं पूरे फेस को सेट करने के लिए सुगर कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से एकदम। और हाँ, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं
ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, आपको देखकर समझ जाएंगे मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, और उसका डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी मैं। तो मैं ज़्यादा बकबकर नहीं करती हूँ, तो अब वीडियो को एंजॉय करिए। तो यहाँ पर मैं दो अलग अलग लिपस्टिक का सेट के साथ सेट अप्लाई कर रही हूँ, इससे एक यूनिक सा लिपस्टिक कलर बन जाते हैं, देखिए।
और मैं अपने हेयर स्टाइल के लिए मिडिल पर मैं पार्टीशन कर लूँगी और उसके बाद दोनों तरफ हेयर को लेकर जस्ट ट्विस्ट कर लूँगी और बॉबी पिन से सिक्योर कर लूँगी। जस्ट ट्विस्ट 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 एंड सिक्योर विथ बॉबी पिन। बस मेरा हेयर स्टाइल है, सिंपल हेयर स्टाइल है, बिल्कुल रेडी। और उसके बाद मैं ज्वेलरी पहन लूँगी। और हाँ, यहाँ पर मैं बता दूँ, मैं जो आउटफिट पहनी हुई हूँ वो मैं एक इंस्टाग्राम स्टोर से ली थी। मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। और मेरी ज्वेलरी जो है, यस, वो है मीशो से मैंने परचेस किया था, उसका भी कोड और लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और पसंद आए तो बाय भी कर सकते हैं। और बताना कि कैसे लग रही हूँ मैं। हाँ, और मुझे लगा कुछ कमी है। और हाँ, मैं सोचा एक ब्यूटी स्पॉट बना लेती हूँ। और मैं उसके बाद मैं अपनी चूड़ियाँ पहन रही हूँ। और बताइएगा मेरा लुक कैसा, मैं सब ज्वेलरी पहन लिया और लुक कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट पर बताना। तो ये है मेरा दिवाली ग्लैम ग्लॉसी मेकअप लुक। तो लुक पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टाटा, लव यू।